हाय गाइस, तो आज हम बनाने वाले हैं स्वीट कॉर्न क्रिस्पी। सबसे पहले हमने पानी एक पैन में पानी गर्म करके अब इसमें हम स्वीट कॉर्न डाल के इसे कुछ देर बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे काफ़ी अच्छे से स्टीम हो रहा है, इसे हम कुछ देर स्टीम होने देंगे अच्छे तरीके से। फिर ये हमारा यहाँ पे स्वीट कॉर्न काफ़ी अच्छे से बॉईल हो चुका है, देखो आप। फिर हम उसे पानी से अलग करके एक अलग से बॉल में सेपरेट कर लेंगे। फिर हम इसे कॉर्न फ्लोर के साथ इसको थोड़ी देर के लिए कोट कर देंगे। ये भीगा पड़ेगा तो आप इसे जल्दी जल्दी कोट कर लेना। आप इसमें नमक भी ऐड कर लेना। फिर आप इसे यहाँ पे 3-4 चम्मच ऑयल में हल्का लाइटली भून सकते हो, या तो चाहो तो आप इसे डीप फ्राई कर सकते हो। मुझे वो पसंद नहीं है, अनहेल्दी फील होता है, इसलिए मैंने इसे बस लाइटली फ्राई करा है। हम इसे अच्छे तरीके से हल्का सा लाइट ब्राउन होने तक इसे अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। आप देखो यहाँ पे अच्छे तरीके से हल्का हल्का इसमें ब्राउन टेक्सचर आने लगा है, ब्राउन कलर आने लगा है। फिर आप देखो यहाँ पे जो सारे पहले जो कॉर्न थे वो सारे चिपके हुए थे, अभी सारे अलग अलग हो गए हैं और ये काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी भी लग रहे हैं। देखो सारे फ्रेश हैं। ये देखो इसमें हल्का सा ब्राउन कलर भी आ चुका है, ये अच्छे तरीके से फ्राई हो गया। अब हम इसे रेड चिली पाउडर और ब्लैक पेपर, ये सारी चीज और चाट मसाला, ये सारी चीज़ें डाल करके इसे अच्छे। फिर आप ये सारे मसाले को एक साथ अच्छे से मिक्स करके इसे अलग से प्लेट में निकाल लेना। फिर आप इसमें चिली फ्लेक्स डाल देना और फिर ऊपर से लेमन और ये सारे धनिया के पत्ते डालें। थैंक यू गाइस, बाय बाय।